हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटर पनीर की बहुत ही टेस्टी और चटपटी सब्जी, जिसे हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल मेथड के साथ। इसमें ना तो हम क्रीम का यूज करेंगे और ना ही काजू का, जिससे यह सब्जी बनेगी बहुत ही टेस्टी और चटपटी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मटर पनीर की चटपटी सब्जी। तो इसके लिए मैंने ले लिया है मटर और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसे डाल दूंगी एक प्रेशर कुकर के अंदर और इसमें मैं डाल दूंगी एक गिलास के लगभग पानी। मटर पनीर जल्दी बनानी है तो आपको इसमें लगानी होगी एक विशल। तो मैं इसे रख दूंगी गैस के ऊपर और हाई फ्लेम पर इसे तब तक पकाऊंगी जब तक कि इसमें एक विशल ना आ जाए। और साथ ही मेरा जो तेल है वो भी गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें डाल दूंगी जीरा और इसे हमें थोड़ी देर के लिए क्रैकल होने तक इसे पका लेना है। और साथ ही में इसमें मैं डालूंगी खड़े मसाले, जिसमें मैंने ले लिया है दालचीनी स्टिक्स, तेजपत्ता, काली मिर्च, छोटी इलायची और बड़ी इलायची। इसे हम डाल देंगे तेल में और यहाँ पे हम जो गैस की फ्लेम है उसको बिल्कुल लो रखेंगे, जिससे कि जो हमारे खड़े मसाले हैं वो जले नहीं और अच्छे से रोस्ट हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी सूखी हुई लाल मिर्च, जिससे हमारी जो सब्जी है चटपटी बनेगी। और साथ ही मैंने ले लिया है प्याज, जो कि 5 है और ये मीडियम साइज के। इसे मैं ग्राइंड कर लूंगी मिक्सी जार में और इसे मैं अब डाल दूंगी इस तेल के अंदर। आप चाहें तो चॉप करके भी प्याज को डाल सकते हैं, पर मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। और इसे हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक ये ब्राउन कलर का ना हो जाए और ये बॉटम को छोड़ ना दे। तो हमारा प्याज अच्छे से भून चुका है, देखिए बॉटम को ये छोड़ रहा है। तो अब इसे हम भूनना बंद कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और मिर्च। तो मैंने यहाँ पे ले लिया कुछ अदरक लहसुन और हरी मिर्च, इसे मैं पीस लूँगी और इसे भी डाल दूँगी इस प्याज के अंदर। और इसे भी हमें लगातार चलाते हुए तब तक रोस्ट करना है जब तक ये जो अदरक और लहसुन का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म ना हो जाए। तो मैंने यहाँ पे इसे 2 मिनट के लिए भूनेंगे। यहाँ भी फ्लेम को मैंने लो ही रखा हुआ है ताकि इसे अच्छे से मैं भून सकूँ। अब मैं डालूंगी इसमें टमाटर। तो मैंने 3 टमाटर जो कि मीडियम साइज है उसको भी पीस लिया है और इसे मैं डाल दूंगी इस प्याज के अंदर। और इसे भी हमें लगातार चलाते हुए इसे हमें अच्छी तरह से पकाना है। यहाँ आप गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रख सकते हैं, इसे बीच बीच में एडजस्ट करके रख सकते हैं। और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक ये जो टमाटर और प्याज है ये ऑयल ना रिलीज कर दे। अब हम इसमें डालेंगे नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर 1.5 चम्मच, 1.5 से 2 चम्मच आप धनिया पाउडर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच के लगभग लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने गरम मसाला का यूज किया है, क्योंकि मैंने खड़े मसाले का भी यूज किया तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाल दिया है। और इस मसाले को भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि जो मसाले हैं वो तेल को रिलीज ना कर दे। तो यहाँ पे हमें लगातार चलाते हुए इसे हमें भुनना है मसाले को। देखिए जो मसाले का कलर है कितना अच्छा आया हुआ है। तो मसाला भुन चुका है, तो अब मैं डाल दूंगी उस बॉईल किए हुए मटर को जो हमने पहले बॉईल कर लिया है, उसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसे अच्छे से अब मिक्स कर लूंगी। अगर आप चाहें तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है इतनी ही रख सकते हैं, पर मैं इसे थोड़ा सा पतला करूंगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डालूंगी 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी। यहाँ पे मैंने गुनगुने पानी का यूज किया है, जिससे जो सब्जी का टेस्ट है वो अच्छा आएगा। और इसे मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगी ली, ऐसे हम बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए जो ऑयल है वो इस सब्जी के ऊपर बहुत अच्छे से आ गया है, इसका मतलब कि जो हमारा मसाला था बहुत अच्छे से हमने भुना हुआ था। तो इसे हम 5 मिनट के लिए ऐसे लीड लगा के इसे पका लेंगे, जिससे जो हमारा मसाला है वो अच्छे से पक जाए। हमारे जो ये ग्रेवी है वो बन के रेडी हो चुकी है, तब हम इसमें डालेंगे पनीर। तो मैंने लगभग 400 ग्राम के लगभग पनीर लिया हुआ है, जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसको मैं डाल दूंगी इस मटर के अंदर और इसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा चला लूँगी और इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढक के फिर से पकाऊंगी, जिससे जो मसाले हैं वो पनीर के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो ही रखा हुआ है। और हमारी सब्जी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। हमारी बहुत ही टेस्टी और सिंपल मटर पनीर की सब्जी रेडी हो चुकी है। इसे आप रोटी, नान, पराठा किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए जो हमारी सब्जी है देखने में कितनी टेस्टी दिख रही है, तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मटर पनीर की सिंपल सी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें,
ताकि हमारी आने वाली हर टेस्टी और हेल्दी रेसिपी आपको मिलती रहे।